नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। इसके पहले एक वीडियो आप तक मैंने पहुंचाया जहां पर मैंने आपको बताया कि आखिर क्या फ़र्क होता है गारंटी एंड वारंटी में। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 है जहां पर हम लोग आगे बात करेंगे कि गारंटी वारंटी अगर किसी कंपनी ने या दुकानदार ने कवर नहीं की तो आपके पास में क्या लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, आप क्या कर सकते हैं। और साथ ही एक बार फ़र्क समझ लेते हैं गारंटी और वारंटी का। मैंने आपको बताया था गारंटी जहाँ पर किसी प्रोडक्ट की जो भी आपने सामान खरीदा था दुकानदार या कंपनी से, गारंटी के केस में वो आपको अगर वो सामान खराब हो जाता है, प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो आपको नया सामान देते हैं, रिप्लेस करते हैं, नया सामान आपको देते हैं बिना पैसे लिए अगर वो समय सीमा के अंदर है। और वारंटी के केस में क्या होता है, वारंटी के केस में उस समय सामान को बना करके कंपनी या दुकानदार आपको वापस करता है। तो ये दोनों के बीच में एक फ़र्क था। और भी इसके बीच में क्या फ़र्क है वो ज़रा समझ लेते हैं लोगों को, क्योंकि ये लगता है कि गारंटी एंड वारंटी दोनों ही चीज़ें एक ही है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। वारंटी में जो सामान खराब हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो नया प्रोडक्ट देने की जगह वारंटी के केस में रिप्लेस ना करने की बजाय उसे बना करके दिया जाता है, जबकि गारंटी में प्रोडक्ट दुकानदार या कंपनी दूसरा देती है। इसके साथ जो वारंटी होती है वो कुछ पैसे दे करके बढ़ाई जा सकती है, लेकिन गारंटी के केस में ये मुश्किल होता है। तीसरा जो बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो वारंटी होती है, जनरली जो भी आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे आपको गारंटी या वारंटी तो दोनों मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट में आपको क्या वारंटी दी जाती है, क्योंकि वारंटी का खर्चा जो शॉपकीपर है या कंपनी उन्हें कम पड़ता है, लेकिन गारंटी में क्योंकि नया प्रोडक्ट देना पड़ता है तो उन्हें खर्चा ज़्यादा देना पड़ता है। चौथा फ़र्क दोनों के बीच में ये है कि जो वारंटी होती है वो ज़्यादा समय के लिए भी हो सकती है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, जबकि जो गारंटी होती है वो कम समय के लिए होती है, 3 महीने, 6 महीने या साल भर। अगर इन समय के अंदर आपका सामान खराब तो कंपनी आपको दूसरा प्रोडक्ट देती है, तो वो गारंटी के केस में। वारंटी बना के देना है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, तो इस वजह से वो समय ज़्यादा भी हो सकता है, 2 साल, 3 साल, 5 साल या ज़्यादा भी। इसके बाद का एक जो फ़र्क है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो गारंटी को पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें नया प्रोडक्ट मिल जाता है, वारंटी को पसंद नहीं करते। तो ये कुछ फ़र्क थे। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि अगर परेशानी होती है तो आपको कहाँ पे अप्रोच करना है। यदि आपका दुकानदार या कंपनी आपकी वारंटी या गारंटी कवर नहीं करते तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में प्रावधान किया गया है और आप कंज्यूमर फोरम में जाकर के इसकी शिकायत कर सकते हैं। जो भी कंपनी है या जो दुकानदार है वो वारंटी या गारंटी जो भी आपको मिला था वो कवर करेगी। इसके साथ ही कुछ शर्तें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी सामान आप लेते हैं उसकी पक्की रसीद बिल के सहित लें, कच्चा बिल नहीं, पक्का बिल, जिससे समय आने पर आप गारंटी या वारंटी जो भी उस प्रोडक्ट में हो वो कवर कर सकें। इसके साथ ही दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है कि बिल पर जो आप बिल लेते हैं उस पर विक्रेता जो सेल कर रहा है, जो सेलर है, जो दुकानदार है, उसका स्टैम्प प्लस उसके हस्ताक्षर और डेट लिखे हुए होने चाहिए, उसके सिग्नेचर, डेट वगैरह होने चाहिए और स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि निश्चित समय पर क्लेम करें। अगर 1 साल के अंदर आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होता है, खराब होता है या कोई परेशानी आती है तो एक समय के अंदर ही आपको क्लेम करना है। समय से बाहर जाएगा आप गारंटी या वारंटी क्लेम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जो भी प्रोडक्ट में आपने गारंटी या वारंटी की वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मोबाइल फोन, अगर एक मोबाइल फोन को आप वारंटी या गारंटी कवर करने वाले हैं तो उसके टूट-फूट में आपको कंपनी क्लेम नहीं देती है। तो अगर टूट गया आपका मोबाइल फोन, स्क्रीन टूट गई या बैक टूट गया या बैटरी आपने तोड़ दी समथिंग, तो उसमें आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट वैसा ही होना चाहिए, उसमें टेक्निकल इंटरनल कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसकी वजह से आप प्रॉपरली निश्चित समय सीमा के अंदर अपनी गारंटी या वारंटी को कवर कर सकें। इसके साथ यह भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि जब कभी भी आप गारंटी या वारंटी के लिए क्लेम करते हैं तो आपको समय तो ध्यान रखने की बात होती ही है, साथ में जिस दुकानदार से आपने परचेस किया है उनके ऑप्शंस क्या हैं। कई बार दुकानदार रिप्लेस कर लेता है, कई बार माल कंपनी को भेजना पड़ता है, तो ये दोनों ही कंडीशन पे जो भी है आपको निश्चित प्रावधानित करना चाहिए। इसके साथ ही जिस नाम से आपने बिल बनाया था बहुत से केसेस में उसी नाम पर ही आप क्लेम कर सकते हैं, कोई और आपके ऑन बिहाफ क्लेम नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कभी भी वारंटी और गारंटी के केस को आप कवर करें। और हमेशा सामान लेने से पहले ये तो ज़रूर पूछ लें कि आपको पक्का या कच्चा कौन सा बिल मिलने वाला है। हमेशा पक्का बिल लें और साथ यह भी दुकानदार से पूछें कि आप इस प्रोडक्ट में गारंटी दे रहे हैं या वारंटी दे रहे हैं, जिससे आपको सहूलियत हो आगे क्लेम करने की दिशा में। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपके साथ गारंटी वारंटी को लेकर के कुछ चक्कर हुआ तो कमेंट बॉक्स पे भी मुझे बताइएगा। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो मुझे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा जहाँ से आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझे बात कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपका कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप मुझे देते हैं इसके लिए धन्यवाद।